अहम बात कही है। एक समय में हम चाहते थे कि हमारे बच्चे टीवी देखकर आगे बढ़े, यानी कि एजुकेशनल प्रोग्राम टीवी पर देखकर आगे बढ़े, लेकिन आज टीवी ऑन करने से पहले दो बार सोचना पड़ता है, क्योंकि क्या पता टीवी पे क्या दिखाया जाए। यहाँ पर तमाम सारे लोग मौजूद हैं, हम सबसे बात करेंगे, एक बच्चा भी हमारे साथ है। बेटा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको यूट्यूब के बारे में पता है, यूट्यूब क्या है? नो। क्या लगता है, गंदे जो वीडियोस होते हैं कभी कभार बच्चे देखते हैं, देखना पसंद करते हैं, आपको उस तरह के वीडियोस पे बैन लगाना चाहिए? यस। आपसे पूछना चाहेंगे वापस से कि क्या लगता है आपको कि इस तरह के जो वीडियोस होते हैं, क्या वो क्राइम की ओर बच्चों को ले जाते हैं, गंदी चीजें करने पर मजबूर करते हैं? हाँ, यस, बैन कर देना चाहिए उन वीडियोस को हमें, क्योंकि वो वीडियोस देखते ही बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और पढ़ाई से भी उनका ध्यान हट जाता है। इसी वजह से मैं हमारी पूरी सरकार से ये विनती करता हूँ कि वे ये यूट्यूब जैसे साइट को बंद कर देना चाहिए। अब देख सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा जिया न्यूज के माध्यम से सरकार से अपील कर रहा है कि इस तरह के जो साइट्स होते हैं, यूट्यूब की बात करें तो उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस पर जो है कंटेंट फिल्टरिंग सही तौर पर ना होने की वजह से कई सारे जो वीडियोस हैं वो अपलोड किए जाते हैं जो लोग देखकर गलत संदेश पहुंचता है पूरे के पूरे समाज को, और फिर बच्चे जाते हैं इस तरह के क्राइम के पथ पर, गंदी हरकतें करना शुरू करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, हिंदू धर्म को काफी ज्यादा माना जाता था, यहाँ तक बात की जाए अगर भारत की, तो भारत की सभ्यता की एक अलग ही पहचान है देश में, तो क्या लगता है आज धीरे धीरे वो सभ्यता, वो कल्चर सब कुछ खत्म होते नजर आ रहा है? इन्हीं लोगों के द्वारा जैसे कि शो बनाए और उल्टा सीधा बोले, और फिल्में बनाते हैं उसमें उल्टा सीधा बोलते हैं और बगैर सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, वही सब बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। बच्चे जो है, और हम परिवार के साथ, बहन बेटियों के साथ कोई सीरियल या कोई पिक्चर देखने में असमर्थता जताते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इन्होंने कहा कि अब परिवार के साथ बैठ के टीवी नहीं देखा जा सकता, वाकई में एक चिंताजनक स्थिति है, जहां एक ओर हम बात करते हैं बच्चों के विकास की, तो वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये सारी जो चीजें हो रही है, गलत वेबसाइट्स, गलत वीडियोस, ये सब बच्चों के विकास के आड़े आते दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार क्या इन चीजों पर अब ध्यान नहीं दे रही है? बिल्कुल, सरकार को ध्यान देना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार को पहले इसके ऊपर शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन यह है कि जो कल AIIB के तरफ से जो किया गया वो सबसे बड़ा समाज पर प्रहार किया गया है, उसे जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए इनको। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, AIIB एक ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडिंग वेबसाइट है, यानी कि कंटेंट, यानी कि उधर वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, जो सारे वीडियोस लोगों के बीच होते हैं यूट्यूब पर, ये वीडियोस तमाम सारे अपलोड होते हैं और इसमें टॉपिक्स इस तरह से होते हैं जो वाकई में लोगों पे एक गलत मैसेज छोड़ते हैं। हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें काफी हद तक अश्लील बातों का इस्तेमाल किया गया है, उस वीडियो में तमाम सारे फिल्म स्टार्स भी मौजूद थे। क्या लगता है आपको, बच्चे आजकल के फिल्म स्टार्स बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें फॉलो करते हैं, तो अगर कोई बच्चा इस तरह के वीडियोस को देखता है तो क्या उसके माइंड में गलत मैसेज पहुंचेगा? निश्चित तौर पे गलत पहुंचेगा, क्योंकि अगर एक निर्मा, अगर अमिताभ बच्चन प्रचार उसका करते हैं तो निर्मा इतना अधिक से अधिक बिकता है कि उसकी कोई सीमा रेखा नहीं रह जाती है। इस प्रकार से जब ऐसे लोग, ऐसे कलाकार, ऐसे बड़े कलाकार लोग जब गंदी गंदी चीजों का प्रसारण करते हैं, उनको बताते हैं, उसके बारे में करते हैं, तो उसे हम लोग क्या, बच्चे लोग, उनके जो फैन होते हैं उन लोग अधिक से अधिक देखने की कोशिश करते हैं। जब इस प्रकार से जो वीडियो देखा जाता है, अगर गलत वहाँ पे भाषा यूज होता है, गलत वर्ड यूज होता है, तो हमारे बच्चे और हम लोग नौजवान भी इवन कभी कभी मस्ती के तौर पे ही वो शब्द का इस्तेमाल कर डालते हैं, जो कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे संस्कृति के लिए ये सब सारी चीजें बेहद ही खराब है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम लोग ने जितने भी भारतीय हैं, भारतीय जो संस्कृति है हमारी, वो एक माता के नाम पे आधारित है, और वहाँ पे इतनी माता है, बैठ के सुन रही थी, हंस रही थी, मुझे तो शर्म आ रही है इसे वीडियो देखते हुए कि इन लोग भी उसको और प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसका विरोध न कर रहे हैं और उल्टा उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि जो बोल रहे थे, जो आयोजन किए थे, जो कलाकार थे और जो उसके सामने बड़े बड़े स्टार्स लोग बैठे हुए थे, मैं सब लोगों के ऊपर भारतीय की जो कानून है IPC की, उसको लगा के इन लोगों को इस प्रकार से दंडित करना चाहिए कि आइंदा वो वापस कभी इस प्रकार के कृत्य न करें।
बिल्कुल आपने सही तरह से कहा कि एक तरह से हम कहते हैं कि ब्रांड एंडोर्समेंट एक चीज होती है। जिस तरह से अमिताभ बच्चन जो है अगर कोई ब्रांड को एंडोर्स करते हैं तो लोग खरीदने जाहिर सी बातें आते हैं, वैसे ही अगर सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल हो इस तरह के वीडियोस में तो लोग और ज्यादा देखेंगे और ज्यादा सीखेंगे और शायद गलत रास्ते पे भी जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आज देश की स्थिति है, यानी कि अगर मुंबई की बात करें तो इतने सारे क्राइम रेट बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्या लगता है इस तरह के जो गलत वीडियोस होते हैं वो वाले ने जो गलत जब दिखा रहे हैं सब इसके ऊपर समाज के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, ये सब गलत बात है। आपके भी बच्चे हैं घर पर, क्या कितनी चिंता होती है? बहुत अफसोस की बात है, ये सब गलत हरकत कर रहे हैं, इनके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई किया जाए। गलत इनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे कि पहले जो दौर था जहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं होती थी, लेकिन आज इन चीजों के होने के बावजूद हमें क्यों ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है? आपस में क्यों मिलकर लोग समझ नहीं रहे? लोगों में क्या समझ अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? ये सब बहुत बहुत गलत काम हो रहा है, जो भी है सब खत्म इसलिए हो रहा है, पुराने संस्कार में सब लोग अपने हिसाब से सब रहते थे, बहन बेटी बहू बच्चे सब हिसाब से रहते थे। ये लोगों ने ऐसा ऐसा सब चीज दिखा करके बच्चों को जो है गलत प्रेरणा कर रहे हैं, उनको गलत ढंग से उनको मानसिक को उनके पढ़ाई में उनके लिखाई में हर प्रकार का फर्क पड़ता है। ये सब चीज दिखा करके गलत बात करके गलत समाज को बदनाम करते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। देख सकते हैं कैसे समाज पर एक गलत मैसेज जाता है, लोगों में एक गलत मैसेज जाता है और लोग फिर धीरे धीरे गंदे काम करना शुरू करते हैं, समाज को धीरे धीरे गंदी दिशा की ओर ले जाना शुरू करते हैं। आज से जाना चाहेंगे, बच्चों को देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन अगर वही बच्चे इस तरह से चीजें देखकर इन चीजों की चपेट में आ जाए तो क्या लगता है आपको कितना खतरनाक है हमारे देश का भविष्य? बच्चे क्या है, बच्चे बोलते हैं कि मिट्टी के बर्तन है, जैसे कुम्हार जो है उनको बड़ा छोटा करता है, तो हमारे फिल्म वाले सीरियल वाले उल्टा सीधा कुछ भी बोल के उल्टा सीधा जो भी बच्चों पे बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, और बच्चे जो देखते हैं जो सुनते हैं वही उनके दिमाग में घुसता है और बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। देख सकते हैं कैसे बच्चों को आकार दिया जाता है, यानी कि उन्हें सांस्कृतिक तौर पर सब कुछ समझाया जाता है, बचपन में ही अगर उन्हें सही संस्कार दिए गए तो वाकई में उस पथ पर जाने से पहले दो बार सोचेंगे, वाकई में उन्हें आकार देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर इस तौर पर जहाँ बच्चों को समझाया जाना चाहिए, जहाँ उनकी नींव जो है तैयार की जाती है एक अच्छे इंसान बनने के लिए, अगर इस दौर में अगर उन्हें इस तरह की चीजें दिखाई जाए तो क्या लगता है कहाँ तक वो एक अच्छा इंसान बन पाए? इंसान के अंदर मुझे समझ में नहीं आता, इतने लोग वहाँ बैठे थे, बुजुर्ग लोग भी यंग भी, मगर किसी ने जरा सको नहीं, सब मस्त थे, सब तालियां बजा रहे थे। सर मानी चाहिए यही चीज लोगों ने अपने घर में अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। ये क्या चाहते हैं कि पूरी भारत की संस्कृति बदल दें, या ये जो संस्कृति है इसको दफन करके हम और कोई संस्कृति लाएं? इनका तो यही इरादा है ये सब दिखा के। तो इनके लिए मैं तो ये बोलूंगा कि सर मानी चाहिए, जितने लोग बैठे थे जितने लोग दिखाए, अगर सुनते हो देखते हो देख लें कि तुम लोग पहले तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो, जो कि भारत की संस्कृति का तुम लोग ने दफन करने की कोशिश किया है। काश अगर ऐसे खुले जगह पैसा किए होते तो एक भी सही ढंग से जाते नहीं। काफी आक्रोश है लोगों के मन में, कह सकते हैं कि एक जो है खतरनाक बीज बोया जा रहा है, इनके मुताबिक जो आने वाली पीढ़ी है वो गलत दिशा की ओर जा रही है। एक बच्चा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे इस तरह के जो गंदे वीडियोज दिखाए जाते हैं ऑनलाइन, YouTube पर गंदे वीडियोस होते हैं, क्या लगता है इन चीजों का समाज पर किस तरह का संदेश पहुंचता है? मैम, इसका समाज पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि मैं भी 12th साइंस में पढ़ रहा हूँ, बट कॉलेज में घर वाले मोबाइल देते हैं, स्मार्टफोन सबको, सब बच्चे को दे देते हैं, बट कोई देखता नहीं कि वो पढ़ाई कर रहा है कि क्या कर रहा है। मम्मी पापा सोचते हैं कि वो कॉलेज जा रहा है, बट वो घूमता है, ये सब करता है। सोशल नेटवर्किंग साइड पर ज्यादा तरीके से यहाँ पे बढ़ गया है, तो मेरा यही अनुरोध है कि सरकार से अपील करता हूँ कि ये सब बंद कर दिया जाए, ज्यादा YouTube पे मतलब ज्यादा ध्यान दिया जाए कि ये सब आइंदा ना दिखाया जाए ऐसा वीडियो। आपके कितने सारे फ्रेंड्स होंगे जो इस तरह के वीडियोस देखते होंगे और शायद गलत रास्ते पर जाने की भी कोशिश करते होंगे, तो क्या लगता है आपको इस तरह के वीडियोस को किस तरह बैन करना चाहिए और कितने इजीली एक्सेसिबल होते हैं? मैम, सबके पास आजकल स्मार्टफोन इजी तरीके से हो गया, घर वालों ने लेके दे दिया है, घर पे बोल के जाते हैं कि मैं क्लास जा रहा हूँ बट घूमते हैं, ऐसा बंद कर देना चाहिए ताकि YouTube ऑनलाइन ये सब चलना नहीं चाहिए, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई के बीच में कितनी आती है चीजें? पढ़ाई के बीच में मैम बहुत आती, क्लास में पढ़ते समय बच्चे व्हाट्सएप पे चैटिंग वीटिंग ये सब करते हैं, बट ऐसा बंद कर देना चाहिए कि मतलब बैन लगा देना चाहिए डायरेक्ट। कॉलेज में मोबाइल लेके जाना अलाउ नहीं रहना चाहिए, मीन्स पढ़ते टाइम मम्मी पापा को भी ध्यान देना चाहिए ज्यादा कि बच्चे ये सब तरीके से नहीं करें। बिल्कुल,
माँ बाप का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों पर सही तरह से ध्यान ना दिया जाए और उन्हें जो मांगा वो दिया जाए, इस तरह के स्मार्टफोन दिए जाए, तो वाकई में बच्चे गलत काम कर सकते हैं, गलत रास्ते पर जरूर जा सकते हैं। एक बच्चे की जब इस तरह से सोच है, एक बच्चा स्वयं कह रहा है कि इस तरह के स्मार्टफोन गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि माँ बाप कब तक सोच नहीं पा रहे इन चीजों? निश्चित तौर से अभिभावकों को अपने बालकों पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा उनको जागृत रहना चाहिए कब ये कहीं भी भ्रमित हो सकते हैं। जब ऐसे ऐसे समाज में कलाकार मौजूद हैं जो नशीली दवाओं की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार के ये लोग विषाणु फैला रहे हैं, तो निश्चित तौर से समाज को अब जागना पड़ेगा। जन जागरण के माध्यम से स्वस्थ समाज की स्थापना करना चाहिए और करना होगा। आज ब्राह्मण एकता सेवा संस्था ने ये अभियान प्रारंभ कर दिया है। निश्चित तौर से पूरे देश में हमारा कलाकारों को फिल्म को हम लोग बैन कराएंगे और इस प्रकार के जो आयोजक